और जब HSC ले रहो लेकिन नई जमीन लेके हम खेती बाड़ी करती और खेती बाड़ी के जबरदस्ती छीन लो ये फोर्स लगाए के, तो दर्द तो कहीं ना कहीं छाती में हो हम इनका दर्द। और बाप कर जमीन जाओला ना तो जानथू ना, जेकर बाप कर जमीन जाता से है जानतो, दूसरा कोई नहीं जानतो। तो सरकार कर हो सके बाप कर नहीं है कहू से नहीं जाना था, और एखन तक के पता चल हो नहीं चल हो तू के हम इन कहे नहीं पार्बो। हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे पढ़ लिख करके इधर उधर घूम रहे हैं, उन लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रहा है, और हमें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे गलत संगति में ना आ जाए या गलत चीजों में संलिप्त ना हो जाए और फिर से माहौल हमारा खराब ना हो जाए। हम लोग तो यहाँ पे जो हम HSC यहाँ दे दी हम लोग को विस्थापित 10-20 मील जमीन दे के, और आज अभी यहाँ पे इस्ते संस्थान को यहाँ पर जो जमीन एक्वायर कर दिए हैं, तो हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि आज हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े संस्थान बने हैं। लेकिन हम लोगों को ये भी दुख होता है कि आज हम लोग यहाँ पर इतने बड़े संस्थान हो के भी हम लोग यहाँ पे बेरोजगार हैं, हम लोग को नौकरी नहीं मिली है। ये हम लोग वन महोत्सव के समय भी हम लोग मुख्यमंत्री के नाम से एक आवेदन दे चुके हैं। जब तक अब HSC नहीं लेती है तो खेती करने तो इसी रास्ता से हम लोग को जाना तो है। बंद कर देगा, बंद कर रहा है, इसीलिए हम लोग इस धरना पे बैठे हुए हैं कि जब तक हम लोग को रास्ता नहीं मिलेगा तो हम लोग इसी धरना पे बैठे रहेंगे और इसी तरह बैठे हुए रहेंगे। किसी ठंडा भी बढ़ रहा है, ठंडा बढ़ रहा, फिर भी हम लोग आग जलाते हैं, यहाँ पे खाना बना रहे हैं, यहीं पे खा रहे हैं, यहीं पे हम लोग रात को जेंट्स लोग भी रह रहे हैं, कुछ कभी लेडीज लोग भी हम लोग आके रहते हैं, यहाँ पे दिन रात रह रहे हैं हम। अभी जब ये बन गया चालू हो गया तब ये रोड को यहाँ पर सब बंद करने जा रही है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और यही एकमात्र रास्ता है जो हम लोग वहाँ पूजा पाठ करते हैं, यहाँ तक कि अगर एक गाय का भी बच्चा होता है ना तो उसका पहला दूध वहीं डालते हैं, और जैसे शादी ब्याह हुआ तो वहीं जाकर के सब कुछ होता है, और जो कोई मर जाता है उसका जो 10-11 दिन में जो विधि विधान का कार्यक्रम होता है वहीं होता है, दुर्गा पूजा का मूर्ति का विसर्जन वहीं होता है, और जितने भी इस गांव में हिंदू लोग हैं छठ व्रत वहीं तालाब में करते हैं। अभी हम लोग को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये रोड अगर बंद कर देगा तो एकमात्र यही हम लोग का है, और हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोगों को वहां तक जाने का जो रास्ता है उसको IIM वाले और गेल वाले लोग जो है घेरने का प्रयास में है। इससे हम तमाम ग्रामीण काफी क्रोधित हैं। कहने का मतलब है कि यदि हमारा सड़क नहीं दिया गया वहां तक जाने के लिए तो हम लोग किसी भी प्रकार का कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। लेकिन अब HSC भी दयनीय कगार पर है, उससे भी वंचित हो जाएगी, तब बताइए कि हम लोग अब रहेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ। और ऊपर से और सरकार ने इस तरह से रोड, एक देवी स्थल का रोड को घेराबंदी करने का प्रयास कर रहा है, इससे हम लोग पूरे ग्रामीण नाखुश हैं और हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो। झारखंड में विस्थापन एक बड़ी समस्या है। पिछले 22 सालों में सरकारें कई आई और कई गई, लेकिन किसी ने विस्थापन रूपी जो समस्या उसके समाधान के लिए बहुत बेहतर प्रयास नहीं किया है। हम अभी रांची राजधानी के ही अंदर जो IIM है, आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख सकते हैं, मुड़वा मौजा के अंदर IIM है, और ये विस्थापितों की जमीन पर बना है। विस्थापित जिन्होंने देश के विकास के लिए अपना सब कुछ निछावर किया, उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं, अपनी ज़मीनें, खेती हर ज़मीनें, गांव की ज़मीनें, सब कुछ देश के विकास के लिए दे दिया, यानी HSC के लिए दे दिया, और उसके बाद उनको ना तो सही से उनका जो हक था, उनका जो मुआवजा था, उनका जो अधिकार था वो मिला। उसके बाद IIM के लिए HSC ने जो ज़मीन एक्वायर किया था पहले प्लांट के लिए, उसको IIM के लिए दे दिया गया। अब ये जो रास्ता आप देख रहे हैं हमारे कैमरे में, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये रास्ता अंदर जाता है जहाँ जो ग्रामीण है उनका अपना पुराना मंदिर है, अपना सरना स्थल है, अपना तालाब है, वो सारी चीज़ें अंदर हैं। अब धीरे धीरे IIM की तरफ से यहाँ से बाउंड्री किया जा रहा है और इस रास्ते को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से जब से बाउंड्री शुरू हुआ उसके बाद से ही ग्रामीण यहाँ धरने पर बैठे हैं। 13-14 दिन धरने पर हो गया है बैठे हुए, आप देख सकते हैं एक तरफ महिलाएं हैं, दिन रात ये धरना यहाँ चल रहा है। ये रास्ता बंद नहीं करने की मांग को लेकर, और दूसरा जो बड़ा मांग वो ये है कि IIM के अंदर जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ्स होंगे, जो लोग यहाँ पे
काम कर रहे होंगे, चाहे वो तीसरा ग्रेड का हो चौथा ग्रेड का हो, उसमें यहाँ के जो मौजा के लोग हैं, जो मुड़वा मौजा के लोग हैं, उनको पहली प्राथमिकता दी जाए, उनको वहाँ काम दिया जाए। पिछले 13-14 दिन से ये धरना चल रहा है, हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। पहले जो लोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उनसे बात करते, फिर इन महिलाओं से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लोगों से बातचीत हो पाए और ज़्यादा बातें आपके पास हम पहुँचा पाए। क्या नाम है बाबा आपका? शंभुनाथ देवघरिया। मेरा उम्र हो रहा है 76+। और मैं, मेरे दादाजी के पीरियड में यह जमीन अधिग्रहण किया गया था, एचईसी ने किया था टाउनशिप के लिए, लेकिन टाउनशिप तो नहीं बना, पर वो औने पौने दाम में आईआईएम को दे दिया। और देने के पहले ये रोड हम लोग का बना हुआ था, जो हम लोग का धार्मिक स्थल है बूढ़ा महादेव, वहाँ ये जाता है रोड, और जो है सो ये रोड वहाँ पर हम लोग का पूजा पाठ सारा जितना भी धार्मिक अनुष्ठान होता है वहीं पर होता है। अभी ये कुछ दिन से, उतना दिन जब इसको बनाना था, इन लोग से वार्ता हुई थी हम लोग का, तो बोला था ये रोड को हम आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अभी जब ये बन गया, चालू हो गया, तब ये रोड को यहाँ पर से बंद करने जा रही है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और यही एकमात्र रास्ता है जो हम लोग वहाँ पूजा पाठ करते हैं, यहाँ तक कि अगर एक गाय का भी बच्चा होता है ना, तो उसका पहला दूध वहीं डालते हैं, और जैसे शादी ब्याह हुआ तो वहीं जाकर के सब कुछ होता है। और जो कोई मर जाता है उसका जो 10-11 दिन में जो विधि विधान का कार्यक्रम होता है वहीं होता है, दुर्गा पूजा का मूर्ति का विसर्जन वहीं होता है, और जितने भी इस गांव में हिंदू लोग हैं छठ व्रत वहीं तालाब में करते हैं। अभी हम लोग को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये रोड अगर बंद कर देगा तो एकमात्र यही हम लोग का है, और हम लोग कहाँ जाएंगे, इसलिए हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और जब तक हम लोग का ये इसका समाधान नहीं होगा, तब तक हम लोग यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे और किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। क्या नाम है दादा चाचा आपका? मेरा नाम मेघनाथ महतो, हम इसी ग्राम नैसराय मुड़मा का अस्थायी व्यक्ति हैं, पुनर्वास व्यक्ति हैं। ऐसे में हम एचएससी विस्थापित संगठन भी चलाते हैं, लेकिन यहाँ हमारे गांव के ही मुखिया, सरपंच और उनके सहयोगी के द्वारा यह धरना प्रदर्शन चल रहा है, और उसमें हम लोग सहयोग कर रहे हैं, और सहयोग कर रहे हैं कि जब तक ये रास्ता का सवाल है, क्योंकि हम लोग के पुरखा पूर्वज के स्थापित किया हुआ बूढ़ा महादेव है, तालाब है, 400-500 बरस पुराना ये तालाब है, बूढ़ा महादेव है। अब इसको आज हमारे बीच में आईएएम गेल कंपनी जो है, इसको इस रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये रास्ता को क्लोज करने का प्रयास उन लोग कर रहा है। सरकार ने जमीन उसको दे दिया है, लेकिन चूंकि जमीन हमारी है, हमने सरकार को दिया था एक कारखाना बसाने के लिए, टाउनशिप बसाने के लिए। अभी एचएससी का स्थिति आप देख रहे हैं कि एचएससी का स्थिति भी दयनीय हो गया है। हमारे जितने भी नौजवान साथी है सब बेरोजगार के कगार पर है, और उन लोग का उधर से भी हाथ धोने का आने का संभावना लग रहा है, और हम लोग यहाँ भी सोच रहे हैं कि इधर से भी हम लोग खाली हो जाएंगे। तो हम तो सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी जो परंपरा जो रोड है देवी स्थल जाने के लिए, बूढ़ा महादेव जाने के लिए, और ये रोड ऐसा है यहाँ से जगन्नाथपुर सीधे डायरेक्ट निकालता है, हम चाहेंगे मतलब सरकार से कि रोड वहाँ तक छोड़ दे, तो हम बहुत खुश रहेंगे, हमारे पुनर्वास व्यक्ति खुश रहेंगे। चूंकि हम लोग को सरकार ने दिया क्या, अभी तक तो कुछ नहीं दिया, बस हमको 10 डिसमिल जमीन मात्र दिया है रहने के लिए, उसके बाद में हम लोग उसी पर अभी भी घर मकान ठीक से बना नहीं पाए हैं। हम लोग जो आशा था, उम्मीद था कि भाई एचएससी में परंपरा हम लोग का नौकरी चाकरी लगते रहे, लेकिन अब एचएससी भी दयनीय कगार पर है, उससे भी वंचित हो जाएगी, तब बताइए कि हम लोग अब रहेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ। और ऊपर से और सरकार ने इस तरह से रोड, एक देवी स्थल का रोड को घेराबंदी करने का प्रयास कर रहा है, इससे हम लोग पूरे ग्रामीण नाखुश हैं, और हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो। अभी डीसी साहब से 2-3 दिन से
बातचीत चल रही है। कल भी आए थे, उनसे भी बात हुआ, वो भी सर्वे करा रहे हैं। अब देखिए आगे फ्यूचर में क्या होगा, अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हम कहेंगे कि भाई जो हमारी मांग है, हमारे महिलाएं जो बस बैठे हुए हैं, हमारे मुखिया हैं, सरपंच है और उप मुखिया हैं, और हमारे नेतृत्वकर्ता श्वेता जी है, इन लोग के द्वारा किया जा रहा है, तो हम लोग इनको सहयोग कर रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं, और हम लोग चाहेंगे कि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आगे का कुछ सोचा जाएगा, आगे कुछ किया जाएगा, लेकिन उम्मीद है अगर काम बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। बदित नहीं, हम काना भी चाहते हैं आगे बाद में। का नाम है बाबा? तभी आपको बोले आप का नाम बाबा तर? मेरा नाम कर्माव राम है और मैं हटिया विस्थापित संयुक्त संघर्ष मोर्चा जो है उसका अध्यक्ष भी हूँ, और अध्यक्ष होने के नाते ग्रामीणों की जो ज्वलंत समस्या है, इनकी जो जायज मांगे हैं और ये लोग जायज मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, उसकी मोर्चा समर्थन करती है। हम एचईसी विस्थापितों की जमीन को देश हित के नाम पर लिया गया था और यहाँ एचईसी कारखाना बसाने की बात, एचईसी कारखाना बसाने की बात थी और आज कारखाना बसा भी, और एक साजिश के तहत उनके आवश्यकता से अधिक जमीन को अधिग्रहण भी की गई, जिसका नतीजा है जो 100% आप देख रहे हैं कि 2555 एकड़ जमीन जो है एचईसी से अतिरिक्त निकला था, 2555 एकड़ जमीन अधिक है, जिसको कि एचईसी का निर्माण करने से बचा हुआ जमीन है, और ऐसे जमीन को किसानों को वापस कर देना चाहिए, किंतु सरकार की मंशा अच्छी नहीं थी, वो सोची समझी साजिश के तहत जो है यहाँ के भोले भाले आदिवासियों की जमीन को एक छोटी सी रकम देकर अधिग्रहण, आवश्यकता से अधिक जमीन का अधिग्रहण किया। नतीजा है कि आज जो है आप जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं जमीन खाली पड़ा हुआ, वो हम विस्थापितों की है। एचईसी कारखाना बसाने समय सरकार से बहुत लंबी लंबी हम लोगों को आसार उम्मीद दी थी कि हम सारी सुविधा उपलब्ध करा देंगे, यहाँ मॉडर्न विलेज बने के आया, दिस दैट बहुत कुछ हुआ, लेकिन यहाँ एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अभी जिसको इसको बेच भी दे रहा, हाँ, चंद लोगों को नौकरी देकर सिमट गई, और ये जो है मुश्किल से 40-50-60 बरस भी नहीं चल पाया और इसकी हालात खराब हो गई। इस स्थिति में सरकार को किसानों को जमीन वापस कर देना चाहिए, लेकिन उस जमीन को इस तरह बंडर बांट किया जा रहा है, यहाँ के लोग जो है अपनी ईमानदारी और पूर्वजों का जो वचन दिया हुआ था उसको पालन करने के लिए देश हित का काम को बाधित न करने के लिए, विकास का योजनाओं को बाधित न करने के लिए किसी तरह का इस प्रकार का कदम अभी तक नहीं उठाया। नतीजा है कि यहाँ सैकड़ों से भी अधिक संस्थान बसे हुए हैं और आज के तारीख में मुड़मा मौजा में बहुत सारे संस्थान को लाकर सरकार बसा रही है। यहाँ एचईसी में जो लोग जमीन दिए हैं उनके बाल बच्चे पढ़ लिख कर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उनकी ओर किसी का नजर नहीं है। सरकार को हम लोग कई बार बोले कि हम तमाम विस्थापित बेरोजगारों को, हमारे बाल बच्चों को जो पढ़े लिखे हैं उनको योग्यता अनुसार हर संस्थान में बहाली की जाए,
इन सारी समस्या ऐसी बात हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं वो लोग रखते हैं, लेकिन ना तो सरकार सुनती है और ना तो कंपनी सुनती है और यहाँ के और जितने भी आला अधिकार हैं अधिकारी हैं किसी ने नहीं सुनते। नतीजा है कि आज हमारे जितने भी बाल बच्चे हैं पढ़ लिख कर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इसकी ओर किसी की नजर नहीं है। और हम लोग मजबूर होकर अगला कदम उठाने का भी फैसला लिया है। आज ये ऐतिहासिक ये हमारे यहाँ पर एक महादेव बाबा है, यहाँ एक तालाब है जो हमारा धार्मिक धरोहर से जुड़ी हुई है। हम लोग यहाँ पूजा पाठ करते हैं, सभी प्रकार का जितने भी ये होता है सारा पूजा पाठ है। इस तालाब में छठ होती है, बगल में महादेव बाबा है, यहाँ बराबर लोग अपना श्रद्धा के आधार से यहाँ पूजा पाठ करते हैं और उनकी मनोकामना भी मिलती है, उनका दिल भी शांत होता है। नतीजा है कि हम लोग उसको तहे दिल से मानते हैं और आज के तारीख में हम लोगों को वहां तक जाने का जो रास्ता है उसको IIM वाले और गेल वाले लोग जो है घेरने का प्रयास में है। इससे हम तमाम ग्रामीण काफी क्रोधित हैं। कहने का मतलब है कि यदि हमारा सड़क नहीं दिया गया वहां तक जाने के लिए तो हम लोग किसी भी प्रकार का कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि कितना भी हम लोग के साथ अन्याय किया गया हम लोग आज तक बर्दाश्त करते आ रहे हैं और आगे भी बर्दाश्त करेंगे, ऐसा हम लोग का मंसूबा रहा था। लेकिन अब ये आवश्यकता से अधिक हम लोगों के बीच में अन्याय हो रही है। नतीजा है कि हम लोग आगे किसी भी प्रकार का कदम उठाने के लिए मजबूर हैं। ठीक है, आगे और लोग हैं, कड़ा ठंड बहुत ज़्यादा है रांची के अंदर और उसके बाद भी लगातार जो ये महिलाएं हैं पिछले 13-14 दिनों से धरने पर बैठी हैं, पिछले 13-14 दिनों से कड़ाके की ठंड के बावजूद भी जो महिलाएं हैं यहाँ धरने पर बैठी हैं, उनकी जो मांगे हैं बाकी लोगों ने बताया, हम ये बता देते हैं। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, जो ये रास्ता जाता है, ये इनका जो धार्मिक धरोहर है, ये तालाब है जहाँ पूरे मुड़वा जो मौजा है वहाँ के जो लोग उनका जो सांस्कृतिक धार्मिक जो भी पूजा पाठ है सब उसी तालाब में किया जाता है। इनका ये मानना है कि ये सड़क बंद हो जाने से इनके इनकी जो धार्मिक आस्था उसको चोट पहुँचेगी और यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं IIM के अंदर वहाँ भी जो मुड़मा मौजा के लोग हैं उनको जगह दिया जाए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जहाना परवीन हुआ और इस पंचायत की हम उप मुखिया हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं हम सारे लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और ये 22 नवंबर से हमारा चल रहा है। यहाँ पर आप लोग जो स्थिति देख रहे हैं, आप लोगों को पता होगा ये बूढ़ा महादेव रास्ता है जो यहाँ गया हुआ है, हमारा धार्मिक रास्ता है, ये आस्था का रास्ता है। और सरकार से बहुत शिकायत है, बहुत ऐसी शिकायत है जो जिस पर बात करना चाहते हैं और करते भी हैं, लेकिन हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। और हम लोग को शुरू से छला जा रहा है, हर चीज़ हम लोग देते आ रहे हैं सरकार को। यहाँ पे बहुत सारे संस्थान बना और हम लोग बहुत पीड़ित हैं, हम लोग अपना दर्द बयां नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दर्द छिपा करके बैठे हुए हैं हम लोग। और सबसे बड़ा दर्द ये है कि जब हम लोग का आस्था का चीज़ को छेड़छाड़ करता है तो बर्दाश्त से बाहर होता है। बहुत हम लोग जमीन दिए और देने के बावजूद हम लोग कुछ नहीं बोले, हम लोग सहयोग किए, खुद लेबर का काम किए और हम लोग हर चीज़ पर वहाँ पे अपना सहयोग हम लोग किए। लेकिन यहाँ पे आज हम लोग का ये आस्था का बात हो जाता है और इसको बंद करने का IIM के द्वारा आया है निर्देश कि ये रास्ता को बंद करेंगे बोला जा रहा है, जिससे हम ग्रामीण बहुत ही क्रोधित भी हैं, दिल से आहत भी हैं और अपने आप को बहुत कमज़ोर भी महसूस कर पा रहे हैं और कर रहे हैं। चूँकि
हम लोग चाहते हैं कि संस्थान बन रहा है, हमारा सोच है। हम लोग सब देखिए यहाँ पे सारे लोग पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छा सोच रखते हैं। संस्थान बन रहा है तो हम लोग उसको इस नज़रिए से देखते हैं कि हमारा जो एरिया है वो डेवलप कर रहा है, हमारा बच्चों का एजुकेशन स्तर बढ़ेगा, ये सोच रखते हैं। और ज़मीन दिए हैं तो कुछ एक एक लालच भी है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को, हम लोगों को नौकरी भी वहाँ पे लगे, एक उम्मीद भी है हम लोगों को। लेकिन आप देख रहे हैं जॉब के लिए भी बाहर से लोगों को लाया जा रहा है, आस्था का रोड को भी हमारा बंद किया जा रहा है। और हम लोग लगातार इतने दिनों से बैठ रहे हैं, आज हमारा 12वां दिन है, लेकिन यहाँ पे कोई एक ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है। राज्य सरकार तो कहती है कि जितने भी निजी संस्थान हैं वहाँ 75% आरक्षण वहाँ के स्थानीय लोगों को दी जाती है, तो कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग बहुत पीड़ित हैं। अभी HSC का भी स्थिति आप लोग देखिए, स्थिति भी HSC भी बंद होने का कगार में है। और उस समय बोला गया था कि हर घर से नौकरी देंगे हर घर, लेकिन किसी को मिला नहीं मिला, हम नहीं कहेंगे कि नहीं मिला, मिला, लेकिन अभी अधिकतर घर HSC में जॉब करता है और अभी बंद होने का कगार में है। कितने दिनों से अभी पेमेंट भी नहीं मिला है, उससे भी हम लोग बहुत बहुत यानी कि त्राही त्राही हो रहा है हमारा गांव। और इससे जो है कि रोजगार भी, मान लीजिए कि दुकान भी अगर कोई चला रहा, कोई रोजगार कर रहा है, तो अगर उसका आर्थिक स्थिति अगर दयनीय है, खराब है, तो दुकान भी आपका रोजगार का भी जो साधन है वो भी ठप होते जा रहा है। हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे पढ़ लिख करके इधर उधर घूम रहे हैं, उन लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रहा है। और हमें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे गलत संगति में ना आ जाए या गलत चीज़ों में संलिप्त ना हो जाए और फिर से माहौल हमारा ख़राब ना हो जाए। DC सर तो कहते हैं कि अभी आप लोग इतना शिक्षित हैं तो आने वाले पीढ़ी, आप कैसे नहीं सोचते हैं कि आने वाला पीढ़ी भी शिक्षित हो? शिक्षित होगा, बेशक होगा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला पीढ़ी हमारा शिक्षित हो, लेकिन अभी का जो संस्कार है, क्या यही संस्कार बच्चों में रहेगा? आप आए दिन देख रहे हैं कि दिन ब दिन संस्कार में कमी आते जा रही है। आज हम लोग मेल मिलाप से हमारा गांव में हिंदू मुस्लिम सब एक थाली में हम लोग खाने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से IIM बोला जा रहा है या जो भी IIM का प्रतिनिधि है या सरकार है जो भी है, जिस तरह का मुद्दा यहाँ पे रख रहा है कि ये रोड नहीं या दूसरा रोड का भी बात करता है, तो ये आने वाले दिनों में हमारा जो माहौल है माहौल खराब करने की बात कर रहा है। यहाँ पे हमें दंगा होने का कगार पर आ जाएगा आने वाला दिन में, तो हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि उस तरह से हो। और हमको हर हाल में यही रोड चाहिए, इस रोड के अलावा हम लोग दूसरा रोड नहीं लेंगे, क्योंकि ये रोड मेरा पुरखों से प्राचीन कालीन से है, ऐतिहासिक रोड है हमारा। और ये रोड में सिर्फ बूढ़ा महादेव ही नहीं है, एक तालाब भी है, तालाब में हमारा मूर्ति विसर्जन भी वहाँ होता है, छठी स्नान भी होता है, मरखी में भी स्नान होता है, वहाँ पे छठ घाट के रूप में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको। और उसका रास्ता सिर्फ एकमात्र यही है, आगे आप जाइएगा तो एक मस्जिद भी है जिसका कहीं से रास्ता नहीं है, एकमात्र यही रास्ता। इसलिए हर हाल में हम लोग को यही रास्ता चाहिए, इस रास्ते के अलावा हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि दूसरे तरफ से और रास्ता दे। और सरकार से हमारी विनती है और आप भी हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें कि इस बार हमें आहत ना दे, हमारा दिल को, जो दिल को हम लोग का दिल रो रहा है उसको इस तरह से और ना करें। मेरा सरकार से विनती है कि हमें ये रोड जो यथास्थिति है यथास्थिति बना रहे। धन्यवाद। इस पंचायत की जो मुखिया हैं वो भी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं, वो लगातार पिछले 13-14 दिनों से ग्रामीणों के साथ टिकी हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता तिर्की है और मैं इस पंचायत की मुखिया हूँ। आप लोग 13-14 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं, ग्रामीण जो हम लोग बात किए बता रहे हैं कि सड़क का मामला है, ये सड़क बंद करने की जो बात IIM द्वारा की जा रही है, तो अंदर मंदिर ही है, तालाब ही या सरना स्थल, मस्जिद की सारी चीजें क्या क्या है अंदर? इस रास्ते से हमारा जो अभी हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, जो हमारा यहाँ पे ये महादेव है, बूढ़ा महादेव जी है, और एक तालाब है जिसमें हम लोग कर्मा विसर्जन भी करते हैं, और उसमें हम लोग मूर्ति विसर्जन, छठ घाट, ये सभी धार्मिक स्थान है उस पे। और हम लोग का ये जो महादेव है वो हम लोग आस्था से जुड़ा हुआ है, और हम अगर इससे आगे जाते हैं तो इनसे आगे हमारा देवी मंडप है, सरना स्थल है और मस्जिद भी है वहाँ पे। और जो कि आज हम लोग यहाँ IIM के द्वारा ये बाउंड्री, ये एकमात्र एक ही रास्ता है,
और जगन्नाथपुर तक ये पुराना गांव को ले जाती है। लोग भी रहते होंगे? रहते हैं, उधर भी लोग हैं। तो उनके आने जाने का भी ये बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा, ये तो हम लोगों के लिए ये बहुत ही तकलीफ वाली बात है, जो कि हम लोगों को तो ये रास्ता डीसी साहब कल आए थे जी, जैसे हम लोग को जानकारी मिला, आप थे बातचीत में, क्या बातचीत हुई? डीसी सर अभी बोले हैं, वो जायजा के लिए यहाँ पर आए थे। एक बार हम लोग उनसे पहले भी उनसे वार्ता हुई थी, तो हम लोग वहाँ पे गए थे, तो उनसे हम लोग बोले कि एक बार आप अपने से आके अपना जायजा ले लीजिए वहाँ पर, तो इसलिए वो आए थे। तो अभी उनसे तो हम लोगों की पूरा क्लियर बात नहीं हुई है कि वो ये रास्ता देंगे ही। इनके बाद भी बोले हैं कि एक बैठक हम लोग वार्ता के लिए और एक बार बैठेंगे, उसके बाद ही ये बात क्लियर हो पाएगा कि क्या वो ये रोड ही देंगे या तो फिर उनका और क्या दिशा है उनको। रोजगार की भी शायद कोई मांग कर रहे हैं? जी हाँ, हम लोग तो यहाँ पे जो हम HSC यहाँ दे दी, हम लोग को विस्थापित 10-10 डिसमिल जमीन दे के, और आज अभी यहाँ पे इस्ते संस्थान को यहाँ पर जो जमीन एक्वायर कर दिए हैं, तो हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि आज हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े संस्थान बने हैं। लेकिन हम लोगों को ये भी दुख होता है कि आज हम लोग यहाँ पर इतने बड़े संस्थान हो के भी हम लोग यहाँ पे बेरोजगार हैं, हम लोग को नौकरी नहीं मिली है। ये हम लोग वन महोत्सव के समय भी हम लोग मुख्यमंत्री के नाम से एक आवेदन दे चुके हैं, और अभी भी हम लोग रिज्यूम यहाँ पे जमा कर चुके हैं, जिसमें हम लोग कम से कम हम लोग को 90% यहाँ पे जॉब मिलना चाहिए, और अभी भी हम लोग वहाँ थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में नौकरी नहीं दी जा रही है। कौन लोग काम करते हैं? राज्य सरकार तो बोलती है कि जितने भी निजी संस्थान हैं वहाँ 75% आरक्षण वहीं के लोगों का होना चाहिए, जिस इलाके में संस्थान, तो यहाँ नहीं है लोग? यहाँ तो सभी बाहर से ही हैं अभी तक, वैसा यहाँ पर जो हम लोग आवेदन दिए हैं अभी तक तो हम लोग को उन आवेदन का हम लोग का जवाब भी नहीं मिला है कि उनसे लिया जाएगा या नहीं, लेकिन हम लोगों की मांग है कि वहाँ पे थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड में जॉब दिया जाना चाहिए। ठीक है, और लोग से बात। लक्ष्मी जी हैं इस आंदोलन को जब से चल रहा है तब से हैं, क्या आप लोग सड़क का सिर्फ मांग है या रोजगार वाली मांग भी है? सरकार तो बोलती है कि 75% आरक्षण जो निजी संस्थान है वहाँ झारखंडी लोगों को, स्थानीय लोगों को मिलेगा, तो यहाँ क्या आप लोगों को नहीं मिल रहा? हम इनके तो कोई नहीं पूछते ना, जा भी गेट जगह नहीं तो किससे मिले खो कह तो हम इन जमीन दे के नहीं हम इनके पूछे बहु हम इन जाए कि हम इनके किस ककर से मिले खो तो ये सब चीज करौला सरकार तो हम इनके जमीन लो एक बार चिकन चिकन बोल लो बना लो आप ककर से ले लो उसे कोई गारंटी ना हो। हम इन तो दे नखी कि आई है हमके जमीन HSC ले रहे हो सके जाना थी हो मैं इनके बता था तू सिके जाना थी के भी नहीं जाना रही हो हमें तो ई सब हो कि केकर से ले लो का कर लो के नहीं जाना थी प्लस हम इनके बन लो तो जा भी मांगे ले कि काम हम इनके चाहिए तो कहाँ साहक तो इनके के चिन्ह लो कहाँ करे के नहीं देबो ऐसा टाइप कर घुसे तक नहीं देबो ला आना बतियाओ ला और हम तो वार्ड भी है क्यों वार्ड का नाते एक दिन हम इन जा रही और बात कर ली बात कर बदलत मान के चलिए डायरेक्टर कर कोई और नीचे पद वाला है कहूँ शिव प्रकाश वर्मा वो भेटा लो ओवर में और कहल कि तो इनके एक पेपर मतलब हम दिली रिज्यूम दिली और रिज्यूम देवल के बाद में रिसीविंग भी ले लियो हम कितना कोई के दिलियो से लेकिन वो देवल में कोई मतलब पूछ पाछ नहीं होलो हम इनका। तू ही इनकर जमीन में विधानसभा, तो इनकर जमीन में HSC, तो इनकर जमीन में IIM और बहुत बड़का बड़का संस्थान, तो इनकर जमीन में स्टेडियम, तो इन्हें कर जमीन में, तो इन मन सब बेरोजगार और आंदोलन नौकरी करत हुई मन में स्टेडियम में के घास काटा था कहाँ से लाना ला कहाँ से खोज ला सके तो सरकार जानतो और सरकार के कहे चाहे ला जब जीतलो तो एक बार उम्मीद रहो कि हम इनकी इस बार कुछ मदद करतो पहले नहीं होलो तो इस बार तो चेंज होलो सरकार तो हमके उम्मीद लगल कि इस बार तो हम इनके कुछ मदद होतो लेकिन ये रोड तक के नहीं छोड़त हो जे कि हम इनके पूजा स्थल हो पुरना गांव का रह को रोड जहाँ नाभी गड़ाउला हमें जन्म थम तो नाभी गड़ाउला नहीं तो हमारे बाप मनकर दादा मनकर नाभी गड़ा रहो और जब HSC ले रहो लेकिन नई जमीन लेके हम खेती बाड़ी करत और खेती बाड़ी के जबरदस्ती छीन लो ये फोर्स लगाए के तो दर्द तो कहीं ना कहीं छाती में हो हम इनकर दर्द और बाप कर जमीन जाऊला ना तो जानथू ना जेकर बाप कर जमीन जाता उसे है जानता दूसरा कोई नहीं जानता तो सरकार कर हो सके बाप कर नहीं है कहू से नहीं जाना था और एखन तक के पता चल हो नहीं चल हो तू के हम इन कहे नहीं पारबो और सचिव में सचिवालय में भी कोई चिट्ठी देवल हो लेकिन एखन तक कोई रिपोर्ट नहीं आ हो सरकार तरफ से
और एक दिन हमीन जब भेटाए गेली जीत के अलग तो भेटाए गेली विस्थापित कर किताब बनल हो सके वासवी दीदी से देवे गेली तो खुद किताब के कहल कि दीदी इस बार हम आप लोग के लिए बैठेंगे और आप लोग के लिए राय लेंगे मुशवरा लेंगे तभी काम चालू करेंगे। लेकिन एखन तक वो बात के न बोले आल न सुने पालो और अभी तक कोई पता नहीं हो हम इनके सरकार के बारे में और चाहिए कि अगर अगर बात जाए तो वार्ता होवे हम इनकर तो बढ़िया बात है कि हम इनकर मांग के पूरा करे और जितना भी अगर जमीन बाचल भी है तो के भी आपस करे ताकि देख जितना स्थान बनत हो सब रोड के तो घेरतो तो रोड घेरतो तो कहाँ चलबो हम इन है कहाँ चलबो हम इन और रोड के एकदम नहीं घेरना चाहिए। देख करम पूजा करल कर बाद में हम इनके बोहा पड़ोल पानी में अथी मोरथू नहरातू न तो हम इनके पानी चाहिए नदी चाहिए ढोड़ा चाहिए तो हमीन के तो बैठा हो 10 डिसमिल में ना हमीन के तालाब हो ना जमीन हो आए तो तालाब कहाँ करबो तो तालाब तो पुरना तालाब को सिके हमीन के चाहिए ही चाहिए और तालाब का कुछ नहीं भी हो सरकार नहीं कह रहा हो तू तालाब हमीन कर ही है कहो चले हमीन IIM के है कहे चाहिए वाला कि ओके और सरकार के भी कहे चाहिए वाला कि हमीन के जोर जबरदस्ती ना करे हमीन के जमीन है कहो और पूछे और हमीन के जमीन के लूटे कर काम ना करे नहीं तो आंदोलन तो चलते रहते और चलाबो आंदोलन। आप लोग का जमीन में HEC है, आप लोग का जमीन में IIM है, स्टेडियम है, पुराना विधानसभा है, नया विधानसभा है, दुनिया जहान का चीज़ है आप लोग का जमीन में। ये बात बताइए कि जो बच्चा यहाँ से पढ़ता लिखता है वो बच्चा क्या करता है, कहाँ जाता है? कुछ नहीं, प्राइवेट में कहीं कहीं सर्विस लग जाए तो लग जाए, प्राइवेट में करता है बच्चा लोग, नहीं तो कुली का काम करता है, कहीं प्लम्बर का ये करेगा जाके। ये सब जो संस्थान है, मंत्रालय है, HEC है, स्टेडियम है, IIM है, पुराना विधानसभा ने, कौन काम कर रहा है? बाहर से कहीं से लाता है, हम लोग को तो उतना पता नहीं है कहाँ कहाँ से ला के भर देता है। यहाँ के लोग नहीं, यहाँ का लोग नहीं है, हम लोग कितना भी मांगने जाते हैं काम के लिए हम लोग को मिलता ही नहीं है। जमीन तो आप ही लोग का गया है? हम ही लोग का गया है, इसीलिए तो हम लोग को इतना ज्यादा दर्द भी हो रहा है। अभी तो जो है हम लोग का जो रास्ता उसको भी तो बंद कर दे रहा है, हम लोग कहाँ से नहाना धोना करें या तो पूजा पाठ करें, या हम लोग को 10 डिसमिल जमीन दिया है उसमें हम लोग 4-5 भाई हैं एक घर में, पिताजी को मिला है, बच्चे लोग को नहीं मिला है, उसी ने किसी तरह रह रहे हैं, तब तो हम लोग को निकलना घुसना भी मुश्किल हो जाएगा, तो हम लोग जाएंगे कहाँ कहाँ रहेंगे? आपका क्या नाम? मेरा नाम पुष्पा देवी है, अभी वार्ड है। ये 10 वार्ड में है इसी के एरिया में। ये आपका ही? मेरा एरिया में पड़ता है ये। अच्छा, यहाँ जो रास्ता ब्लॉक किया जा रहा है, अंदर लोग भी रहते हैं? है क्या, अभी देख रहे गाड़ी उड़ जाता है खेती मतलब धान अंदर नहीं, इस रास्ता से होके आगे पहले हम लोग का पुराने बस्ती थे, वही बस्ती को उठा के हम लोग को इधर दिया गया है, तो वही कुछ लोग का घर उधर है, अभी जाके कुछ लोग घर बना के छोटे छोटे घर बना के वहाँ रह रहे हैं, तो वही लोग और जितने भी अभी खाली जगह है, खेत है, जितना बचा हुआ है HSC एक्वायर नहीं किए हैं, तो उतना में पूरा ग्रामीण वहां जाके खेती करते हैं। तो ये रास्ता बंद हो जाएगा तो फिर धान कैसे आना जाना होगा? जब तक अब HSC नहीं लेती है तो खेती करने तो इसी रास्ता से हम लोग को जाना तो है। बंद कर देगा? बंद कर रहा है, इसीलिए हम लोग इस धारणा पे बैठे हुए हैं कि जब तक हम लोग को रास्ता नहीं मिलेगा तो हम लोग इसी धारणा पे बैठे रहेंगे और इसी तरह बैठे हुए रहेंगे। किसी ठंडा भी बढ़ रहा है? ठंडा बढ़ा, फिर भी हम लोग आग जलाते हैं, यहाँ पे खाना बना रहे हैं, यहीं पे खा रहे हैं, यहीं पे हम लोग रात को, जेंट्स लोग भी रह रहे हैं, कुछ कभी लेडीज लोग भी हम लोग आके रहते हैं, यहाँ पे दिन रात रह रहे हैं हम लोग। ये HEC से विस्थापित वो लोग हैं जिन्होंने देश और राष्ट्र के नाम पर, देश और राष्ट्र एक ही होता है लेकिन दोनों के विकास के नाम पर जब जमीन आप दे देते हैं तो आपका विकास नहीं हो पाता है। एक परिकल्पना जो की जाती है कि कारखाना लगे, फैक्ट्री लगे, प्लांट लगे, माइनिंग हो, इससे देश का विकास होगा, तो सवाल यह है क्या देश के अंदर ये लोग नहीं आते हैं जिनका विकास ही नहीं हो पाया? अब जब इस इलाके में आएंगे तो ये बहुत आश्चर्य करने वाली बात होगी कि यहाँ फैक्ट्री भी है, यानी HEC है, प्लांट है, HEC है, मंत्रालय इसी विस्थापित क्षेत्र में आता है, HEC ने जिन लोगों की जमीन एक्वायर की प्लांट के नाम पे, उसी जमीन के इलाके में मंत्रालय आता है, उसी में पुराना विधानसभा आता है, 400 करोड़ का नया विधानसभा आता है, करोड़ों रुपए का स्टेडियम आता है और कई सारे संस्थान आते हैं, उसके बावजूद भी ये दुख की बात भी है और हंसने वाली बात भी है कि
इतने बड़े बड़े संस्थान होने के बावजूद भी यहाँ के जो लोग हैं, इनकी जमीनें गई, इनकी जमीनों पर ये संस्थान बैठे हैं, यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई। ये लोग कहीं और जाकर मजदूरी कर रहे हैं, कहीं और जाकर रोजगार की तलाश में हैं। और अब तो ये स्थिति आ गई कि अपने सड़क को बचाने के लिए भी पिछले 13-14 दिनों से ये लोग धरने पर बैठे हैं कड़ाके की ठंड में। डीसी साहब आए थे, सर ग्रामीण बता रहे हैं कि डीसी साहब आए थे, बात हुई है और दोनों तरफ से शायद थोड़ा बहुत आगे पीछे बढ़ने की बात की जा रही है। लेकिन हम लोग बढ़ने वाले नहीं, हम लोग जो है उसी में रहेंगे और उसी को चाहिए हम लोग को। तो यही सड़क, यही सड़क चाहिए हम लोग पुराना। तो ग्रामीणों का ये कहना है कि यही सड़क चाहिए। बाकी हम यहाँ मौजूद हैं और कई खबरों के साथ आप बने रहें। जोहार।